थैंक यू। ठीक। तो चलिए मेरा स्क्रीन अभी, जैसे कि हमने कल के क्लास में देखा था कि चैप्टर उपदेश 3 का क्या क्या है, तो उपदेश 3 का नाम क्या है? पिंड। मेरा स्क्रीन शो कर रहा है? हाँ मैम जी मैम। ठीक है। जैसे कि थर्ड चैप्टर का नेम क्या है? पिंड संबेति। पिंड संबेति मतलब क्या? पिंड का ज्ञान। तो जिसको पिंड का ज्ञान हो जाता है उसको यहाँ पर पिंड संबेति कहा गया है। ठीक है, मतलब कि पिंड का जो जानने वाला होता है उसको पिंड संबेति यहाँ पर कहा गया है। तो इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। 7 पाताल है, 21 ब्रह्मांड है, 7 4 वर्ण है, 7 द्वीप है, 7 समंदर है, 8 पर्वत है, 9 खंड है, 9 नदियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, 12 राशि हैं, 9 ग्रह हैं और 15 तिथियां हैं। क्या क्या है हमने कल देखा था, जैसे कि फिर से मैं दोहरा देती हूँ और थोड़ा डिटेल्स में आप खुद जाइएगा। जैसे कि पाताल देखे थे क्या? कितने पाताल है? 6 पाताल है। यहाँ पर बोला गया है पाताल, तलातल, महातल, रसातल, सूतल, बीतल और अतल। कल के क्लास में मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाया था वहां पर कि कैसे उसका पोजीशन है और कहाँ पर उसका स्थिति है शरीर में। उसी तरह नेक्स्ट है, और इन सब का अधिष्ठान देवता कौन है? रुद्र है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है कि अधिष्ठान देवता यहाँ पर बोला गया है रुद्र जी को। फिर उसके बाद हमने देखा था कि लोकास, जो 21 लोकास है वो क्या क्या है और उनके स्थान क्या है, उनके जो अधिष्ठान देवता कौन है, ये सब हमने कल कवर अप किया था। वो लोग भूवलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सारे लोकास जो है, ब्रह्मांड है, ये सब की यहाँ पर वर्णन की गई है। उसके बाद विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, नीलकंठ, शिव, भैरव, महासत, तो इस तरह ये जाकर शक्ति पर पहुंचता है और शक्ति तक खत्म होता है। 21 लोक हैं। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना होगा, सॉरी, तो यहाँ पर आप सबको इसको याद रखना होगा। थोड़ा 1 मिनट। जी, अभी हमने और क्या क्या देखा उसमें कि जैसे, मैं बता दूं, जी हेलो, और आगे देखा था 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके अतिरिक्त 64 कला में भी 64 वर्ण लगे हुए हैं। बाद में जी देखा था 7 द्वीप, जम्बू द्वीप, शाक द्वीप, सूक्ष्म द्वीप, क्रौंच द्वीप, गोमय द्वीप, श्वेत द्वीप, लक्षद्वीप। उसके शरीर में स्थान भी देखे थे। उसके जी बाद 7 समुद्र देखे थे, उसके भी स्थान देखे थे। क्षार, क्षीर, दधि, घृत, मधु, इक्षु, अमृत। जी वेरी गुड। तो अभी थोड़ा थोड़ा अभी खंड में देखेंगे, तो कौन इसको पढ़ सकते हैं? थोड़ा पढ़ लीजिए जो।
जी रूपा लीजिए कि आप पढ़ लेंगी इसको थोड़ा सकते। जी। नौ खंड है, भागवत खंड, कल्पुरु खंड, काश्मीर खंड, सुई खंड, शंख खंड, एकपात खंड, गांधार खंड, कैवर्त खंड, महामेरु खंड। तो यहाँ पर नौ खंड की वर्णना की गई है, जिसको हम वहां पहले स्टार्ट हुआ क्या, भारत खंड, कर्पूर खंड, काश्मीर खंड, श्रीखंड, शंख खंड, एकपाद खंड, गांधार खंड, कैवर्त खंड और महामेरु खंड। तो इसका भी शरीर में कहाँ पर इसका स्थान है, ये भी सारे चीज यहाँ पर वर्णन मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि मेरु खंड है मेरुदंड पर, कैलाश खंड है ब्रह्म कपाट पर, हिमालय है पीठ के पीठ को बोला गया है, और मलय जो है बाया कंधा, मंदिर जो है दाया कंधा, इस तरह की इसका यहाँ पर वर्णन की गई है कि श्रीखंड है ललाट में। ठीक है, और उसके बाद हमको और क्या मिलेंगे यहाँ पर, नदियां जो हैं उनके बारे में भी यहाँ पर वर्णन की गई है कि नौ नदियां हैं जो हम जो यहाँ पर नाड़ियां बोला गया है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नदी भी हैं, उपनदी जिसको बोला गया है, जो कि 22,000 जो हमारे 72,000 नाड़ियों में उनका सब मतलब कि रक्त का प्रवाह होता है ऐसा बोला गया है। तो नदिया का जो यहाँ पर नेम है कौन पढ़ सकते हैं, हरगुण जी थोड़ा पढ़ के सुनाइए। हरगुण जी दिखाई दे रहा है स्क्रीन जी मैम। जी, मैम पीनस, गंगा, यमुना, सॉरी यमुना, चंद्रभाग, सरस्वती, चंद्रभागा, चंद्रभागा, सरस्वती, पिपासा, शत्रुद्रा, श्रीरात्रि, नर्मदा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको अच्छे से अगर यहाँ से देखेंगे, अगर वहां पर आपको यहाँ पर नदियां नौ नदियां के बारे में यहाँ पर पीनस, गंगा, यमुना, चंद्रभागा, सरस्वती, विपासा, शत्रुरुद्रा, श्रीरात्रि और नर्मदा, ये हैं आपके नौ नदियां का जो नाम बताए गए। और ये सब कहाँ कहाँ पर हैं और बोला गया है कि ये सारे इसको नर्व्स में बोला गया है। ठीक है, उसके बाद किसका वर्णन है कि उपनदी भी, मैं जैसे अभी बोल रही थी कि उपनदी है जो कि 72,000 नदी में वो प्रवाह करता है। ठीक है, और कुल नक्षत्र यहाँ पर 27 है, कुल राशियां 12 है, कुल ग्रह कितने हैं 9 है, और कुल तिथियां यहाँ पर 15 बोला गया है। ठीक है, ये सारे चीज आपको चैप्टर 3 उपदेश 3 में आपको इस सब का वर्णन मिलता है। इसी तरह पर्वत के बारे में भी वर्णन यहाँ पर बोला गया है, इसको थोड़ा यहाँ पर देखिए ताकि आपको अच्छे से, हाँ तो यही है आपके कुल नक्षत्र 27 है, कुल राशियां, यहाँ पर आपको नंबर को याद रखना पड़ेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कुल नक्षत्र कितने हैं अकॉर्डिंग टू द सिद्ध सिद्धांत पद्धति, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है नक्षत्र कुल नक्षत्र जो है वो कौन से अध्याय में इसका वर्णन है। ठीक है, राशियों की वर्णन भी कौन से अध्याय में है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के, तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा ये सारे चीज का वर्णन आपको कहाँ पर मिलता है, कौन से चैप्टर में, कौन से चैप्टर में इसको मिलता है वर्णन, तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय, क्या नाम है उसका, पिंड संवित, पिंड संवित। तो थोड़ा मुझे बोलने में तकलीफ हो रहा है ज्यादा, इसलिए मुझे थोड़ा बातें करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी सबसे। देखिए यहाँ पर और भी ये सब चीजें हैं
जो जो मैं वहां पर बताई 33 करोड़ देवता कहाँ कहाँ पर हैं, पीठ और उपपीठ भी उनका भी वर्णन है, अन्य शीर्ष पर्वत और भी बहुत सारे पर्वत हैं ऐसे भी यहाँ पर बोला गया है, और गंधर्व किन्नर ये सब भी है बने शरीर में है, वो कहाँ पर है, उनका स्थान बताया गया है, बादल भी है, तीर्थ स्थान भी है, सिद्ध लोक के स्थान है, तो ये सब कहाँ पर किस शरीर में किस भाग को बोला गया है, ये सारे चीज का वर्णन यहाँ पर मिलेगा आपको चैप्टर 3 में, उपदेश जो हमारा पिंड समेत। तो ये आपका चैप्टर 3 का जो भी हमने डिस्कशन किया ये सारे चीज आपके चैप्टर 3 में है। अभी नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 4 में क्या क्या है, ठीक है। तो ये आपका PDF आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा डिटेल्स में जाइएगा, मैं इस स्लाइड के हिसाब से थोड़ा बता देती हूँ। दिखाई दे रहा है सबको, चतुर्थ अध्याय क्या है, पिंड आधार, ठीक है। तो यहाँ पर पिंड आधार मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि पिंड की जो आधार शक्ति है, कौन है आधार शक्ति, यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति को बोला जा रहा है, ठीक है। पिंड का आधार यहाँ पर किस शक्ति को बोला जा रहा है, कुंडलिनी को। तो पहले आपको यहाँ पर वर्णन मिलेगा क्या कि पिंड आधार में पहले निजा शक्ति के बारे में यहाँ पर वर्णन है। निजा शक्ति को यहाँ पर 2 तत्वों को हिसाब से बांटा गया है, कुल और अकुल। अकुल शक्ति को फिर से यहाँ पर बोला जा रहा है कि अकुल शक्ति कुछ नहीं, यहाँ पर शिव को बोला जा रहा है कि अकुल शक्ति, जो कि और कुल जो है वो पराशक्ति, ठीक है। तो अपरंपर नाम की जो नीचा शक्ति है, यहाँ पर नीचा शक्ति को क्या बोला जा रहा है, अपरंपरा, ठीक है। तो इनका जो है 2 तत्व यहाँ पर बोला गया है कि 2 भाग में, कि कुल और अकुल, जो कि हमने पहले चैप्टर में देखा था, तो वही उसी चीज को थोड़ा और ज्यादा हिसाब से, क्योंकि हमें एनर्जी तक पहुंचना है, जो शक्ति तक पहुंचना है, शरीर की शक्ति आधार शक्ति तक, इसीलिए थोड़ा इसके बारे में वर्णन पहले दिया गया है। तो पहले हमको मिलेगा क्या, कुल जो कि व्यक्त है, अकुल जो क्या है, अव्यक्त है, ठीक है। और यहाँ पर पराशक्ता, अहन्नास, क्रूरता, कला, इन सारे ये जो 5 रूपों में वो समस्त विश्व का आधार है, आश्रय बनती है, मतलब कि ये कुल शक्ति का ये 5 आधार बोला गया है, ठीक है। उसी तरह अकुल शक्ति का आधार क्या है, और अकुल शक्ति कौन है, शिव जी को यहाँ पर अकुल शक्ति बोला गया है कि अकुल शक्ति कुछ नहीं है, पर शिव को भी हम बोलेंगे कि अकुल शक्ति, ठीक है। और बहुत सारी चीजों का यहाँ पर वर्णन दिया गया है, जितना इम्पोर्टेंट है उसी को यहाँ पर स्लाइड में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट, उसके बाद जब शक्ति के ऊपर वर्णन हो जाता है, फिर बोला जा रहा है कि शरीर के भी उसी तरह कुल शक्ति होता है, और जो आधार होता है उसको यहाँ पर बोला गया है कि कुंडलिनी। तो कुंडलिनी को 2 प्रकार में यहाँ पर बोला गया है, जो कि प्रबुधा और एक है अप्रबुधा। अप्रबुधा मतलब क्या है, प्रबुधा मतलब क्या है, प्रबुधा मतलब जागृत, जो कि जागृत स्टेट में होता है, जागृत अवस्था में होता है जब कुंडलिनी, उसको बोलते हैं प्रबुधा। अप्रबुधा मतलब क्या है, जो सुसुप्त अवस्था में होता है, सोई हुई रहती है उस कुंडलिनी, जब सोई हुई की स्थिति में रहती है उसको बोला जा रहा है यहाँ पर अप्रबुधा। और यहाँ पर एक निरुत्थान अवस्था के बारे में भी यहाँ पर वर्णन मिलता है। निरुत्थान मतलब क्या, जब कुंडलिनी प्रबुधा अवस्था में आ जाता है, मतलब कि जागृत अवस्था में आ जाता है, तब जाके वो निरुत्थान जो है उस अवस्था तक पहुंचता है, मतलब कि वहां पर वो मोक्ष को प्राप्त होता है। कब वो मोक्ष को प्राप्त होगा, जब कुंडलिनी शक्ति का जागृत अवस्था हो, जागृत अवस्था मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है प्रबुधा के बारे में, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रबोधा कुंडलिनी शक्ति के, ये जो प्रबोधा है, जो जागृत अवस्था है कुंडलिनी का, उसका भी शक्ति के 3 प्रकार के हैं, क्या क्या है, जो अवस्थाएं हैं अर्धम, मध्य और अधा, तो 3 प्रकार का यहाँ पर बोला गया है। क्या होता है अर्धम, मध्य, अधा, मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है अधा, मध्य, उधम, मतलब कि लोअर आपका जो सबसे निम्न स्तर का होता है वो है अधा। फिर जब उस
उससे थोड़ा ज्यादा बेहतर होता है उसको बोला जा रहा है यहाँ पर मध्यम, जो सबसे बेहतर होता है उसको बोला जा रहा है यहाँ पर ऊर्ध्व। ठीक है, तो अधः के बारे में क्या बोला जा रहा है कि मूलाधार ऊपर यहाँ पर उसका स्थान होता है, प्रथम में क्या होता है ये प्रथम वाले है, मतलब कि अधः जो होता है ये सबसे निम्न स्तर का होता है, इसीलिए इसको बोला गया है प्रथम। या अधशक्ति व्यक्ति को ब्रह्म मतलब कि बाह्य जगत से संलग्न रखती है। जब जब कोई भी व्यक्ति होता है तो उसकी कुंडलिनी क्या कौन से अवस्था में पहले होती है, वो सोई हुई होती है, जो कि अधः अवस्था यहाँ पर बोला गया है, जो कि हर कोई की हर किसी का कुंडलिनी उसी अवस्था में रहता है, तो उसी अवस्था में रहने से वो क्या होता है, उसीलिए वो बाह्य जगत के साथ संलग्न मतलब कि बाह्य जगत के साथ वो उलझा हुआ रहता है। लेकिन जब वो मध्य अवस्था में आएगा तो क्या पर उसका स्थान हो जाएगा, वो थोड़ा जागृत मतलब की अवस्था में आएगा, जो कि हृदय में होता है। तो इस जो ये स्थिति को यहाँ पर द्वितीय बोला गया है, जहाँ पर क्या होता है जीवात्मा का अपने स्वरूप में स्थापित करना, मतलब कि इस अवस्था में क्या हो जाता है, वो जीवात्मा जो होता है वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, स्थापित करना चाहता है अपने आप को। तो ये हो गया उसका मध्य अवस्था। फिर जो सबसे अच्छा वाला जो अवस्था होता है उसको बोला जाता है ऊर्ध्व। ऊर्ध्व कहाँ पर होता है, उसका स्थान ना सहस्रार पर, जब कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र पहुंच जाता है उसको बोला जाता है यहाँ पर तृतीय अवस्था, जो कि ऊर्ध्व शक्ति व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति कराती है। यहाँ पर परम पद मतलब शिव जी को बोला गया है कि जब ऊर्ध्व होता है ऊर्ध्वगामी होता है प्रबोधा कुंडलिनी जब सहस्रार चक्र पहुंच जाता है तो क्या होता है वो परम पद को पा लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपके चतुर्थ अध्याय में आपको मिलेगा। ठीक है, बस इतना तक है आपके चतुर्थ अध्याय में मेनली। आपका क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, आपके उपदेश फोर में जो कि पिंड आधार बोला गया है, यहाँ पर पहले आपको मिलेगा नीचा शक्ति के दो तत्व हैं कुल और अकुल, व्यक्त और अव्यक्त। और यहाँ पर अकुल मतलब शिवजी को यहाँ पर अकुल शक्ति बोला गया है। फिर उसके बाद आपको दो कुंडलिनी के प्रकार आपको यहाँ पर वर्णन मिलेंगे, एक है प्रबोधा एक है अप्रबोधा। प्रबोधा मतलब जागृत अवस्था, अप्रबोधा मतलब सोई हुई स्थिति, लेकिन सोई हुई रहती है उसको कुंडलिनी जब सोई हुई की स्थिति में रहते हैं उसको अप्रबोधा बोलते। फिर यहाँ पर प्रबोधा कुंडलिनी शक्ति के तीन मतलब की अवस्था बोले जा रहे हैं कि ऊर्ध्व मध्य और अधः, तीन प्रकार के होते हैं। तो अधः मतलब निम्न स्तर, मध्य मतलब थोड़ा ऊपर, और ऊर्ध्व मतलब सबसे अच्छा वाला जो होता है अवस्था उसको बोलते हैं ऊर्ध्व। ठीक है, ये उपदेश फोर में है। और पंचम अध्याय में जो कि आपका पिंड पद समरसकरण, उसका मतलब क्या होता है, जब आप कुंडलिनी शक्ति का जागृत हो जाता है तब क्या होता है, वो जो पिंड वो जो शरीर होता है वो आत्मा जो होता है वो परमात्मा का साथ मतलब कि उसका समरसीकरण हो जाता है, वो उसके उनके साथ मिल जाता है। तो यहाँ पर उसी का ही वर्णन है, जैसे कि पहले हम देखेंगे क्या यहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ बोल रहे हैं कि योग मार्ग ही सबसे मतलब कि अच्छा मार्ग है, आप अगर समरसीकरण चाहते हैं, मतलब कि यहाँ पर पिंड पद, पद मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है जो परब्रह्म। ठीक है, और पिंड मतलब यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल मतलब कि जो अपना जीवात्मा को बोला जा रहा है पिंड, और पद मतलब यहाँ पर परमात्मा को बोला जा रहा है। अगर आप पिंड मतलब कि जीवात्मा परमात्मा को पाना चाहता है या उनका समरसकरण चाहता है तो कौन सा मार्ग को अपनाएगा, न सर्वश्रेष्ठ मार्ग यहाँ पर योग मार्ग के बारे में बोला गया है, और बाकी जो भी मार्ग हैं वो सारे चीज को सारे मार्ग को यहाँ पर पाखंड मार्ग बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको नेम याद रखना पड़ेगा कौन सा, ऐसा अगर क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम पंचम अध्याय में जो सिद्धांत पद्धति में कौन बाकी सब मार्गों को क्या बोला गया है, तो यहाँ पर पाखंड मार्ग बोला गया है। ठीक है, और
सिर्फ आपको योग मार्ग ही आपको समरसीकरण का अवस्था दे सकता है। बाकी जो भी मार्ग है उसको अगर आप उसको अगर चलते हैं उस मार्ग पे, तो वो सारे चीज आपको पाखंडी मार्ग बोला जाएगा। पिंड सिद्धि के बाद योगी का बेस बोला गया है कि पिंड का जो सिद्धि हो जाता है तो उसका बेस कैसे हो जाता है। जब वो एक साधक सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसका बेस में क्या मतलब कि क्या सब चेंजेस हम देखते हैं कि वो मतलब कि मुद्रा पहनने लगता है, वो मतलब कि जो वस्त्र कैसा पहनता है, वो दाढ़ी रखता है, वो मतलब कि बाल उसका क्या कैसा होता है, उसका वेशभूषा पूरा यहाँ पर वर्णन है उसके बारे में। फिर उसके बाद वो क्या क्या धारण करता है, किस किस क्रम में, वो भी सारे चीज यहाँ पर वर्णन है आपके पंचम अध्याय में। फिर उसके बाद गुरु की महत्ता, मतलब कि जब वो मतलब कि ऐसे क्रम में आता है तो फिर उसके जीवन में गुरु की महत्ता क्या होती है, मतलब कि गुरु का इम्पोर्टेंस क्या होता है उसके जीवन में, क्यों गुरु चाहिए, ये सब जो है यहाँ पर पंचम अध्याय में इसका वर्णन है। फिर वो कैसे साधना करेगा, वो साधना का क्रम क्या है, यहाँ पर चार सोपान बताए गए हैं, जो कि पहला वाला क्या है सहज, उसके बाद संयम, फिर उसके बाद सोपाय, फिर उसके बाद अद्वैत भाव। ठीक है, जब वो ये चार सोपान में जाएगा तभी जाके वो गुरु की स्थिति को प्राप्त होना होगा। फिर जाके वो पद मतलब कि पिंड पद का समरसकरण होगा। ठीक है, उसके बाद योगियों की जीवनी कैसी होती है, जो सिद्धियां मिलती है वो कैसे होती है, क्योंकि उसको 1 साल से 12 साल तक जब वो गुरु के आश्रम में रहता है तो क्या क्या उसके उसका मतलब कि उसके जीवन में क्या उसका डेवलपमेंट होता है, और क्या किसके बाद क्या उसको मिलती है, वो पूरा वर्णन है कि 1 साल में उसको क्या सिद्धि मिलती है, दूसरे साल उसके क्या सिद्धि होता है, फिर तीसरे साल क्या उसके सिद्धि में मतलब कि क्या सिद्धियां मिलती है, ये सारे 1 से लेके 12 साल तक उसकी सारी वर्णन की गई है आपके पंचम अध्याय में। ठीक है, और यहाँ पर पंच पांच गुरुकुल की संतान मतलब कि पांच परंपराएं बोली गई है, क्या है आईनाथ, दूसरा है बेलेश्वर, तीसरा है विभूति धारण, चौथा है नाथ और पांचवा है योगीश्वर। ठीक है, ये पांच परंपराएं यहाँ पर बोला गया है। फिर उसके बाद पांच उनके संतान भी है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव। ठीक है, योगी पांच अवस्थाएं भी बोली गई है, स्थूल सूक्ष्म कारण तुरीय और तुरीयातीत। आपको ये चारों जो अवस्थाएं पता होगी, स्थूल सूक्ष्म कारण तुरीय, लेकिन यहाँ पर जो अलग है वो है नया है तुरीयातीत, जो तुरीय से सबसे ऊपर होता है उसको बोला गया है यहाँ पर तुरीयातीत। फिर बोला गया है सदगुरु कौन है, आपको कैसे पहचानने मिलेगी कि कौन सदगुरु है, कौन मिथ्याचारी है, आप कैसे उसको देख पाओगे, कैसे उसको जान पाओगे, उसके बारे में भी थोड़े यहाँ पर वर्णन है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया जो व्यक्ति अत्यंत बोध शिष्य के आठों प्रकार फांस बंधनों को करुणा रूपी तलवार से काट कर पूर्ण आनंद प्रदान करता है वही सदगुरु है। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको कौन से अध्याय में वर्णन मिलेगी, पांचवा अध्याय में। ठीक है, उपदेश 5 जो कि आपके पिंड पद समरसीकरण है। फिर उसके बाद आपका छठा अध्याय आएगा, जहां पर आपको क्या मिलेगा, नाम क्या है, श्री नित्य अवधूत योगी। ठीक है, जो जो सफल योगी होता है, जो शुद्ध योगी होता है, उसको यहाँ पर नाम दिया गया है अवधूत योगी। तो अवधूत योगी के लक्षण क्या है, ये सारा चीज यहाँ पर वर्णन है, बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि वो मतलब कि शंख धारण करेगा, उसके बाद मुद्रा धारण करेगा, वो उनके मतलब कि चप्पल जो क्या बोलते हैं उसको, जो पैर में धारण करते हैं, कोई बता सकता है, पादुका जी पादुका, और जो कुंडल मतलब कि कुंडल जो होता है मंडल उनका का वो मतलब मंडल,
वो क्या, उसका मतलब क्या है, यहाँ पर सारा चीज यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर छठा अध्याय में, कि अगर वो ओमकार का ध्वनि उच्चारण करते हैं तो वो क्या होता है, और उनका जो मतलब कि वो द्वयोगी कौन होता है, अवधूत योगी कौन होता है, उसका प्रकृति कैसा है, वो मतलब कि उसका कोई भी इच्छा शक्ति नहीं होती है वहां पर, वो क्लेशों से पूरा परे होता है, वो मतलब कि परमात्मा में ही लीन हो जाता है, उस तरह का यहाँ पर बोला गया है। कोई भी बाहरी जो शक्ति होता है, बाहरी कोई भी इच्छा उसको हिला नहीं सकता, और वो हमेशा क्या करता है ना, पूरा मतलब कि हमेशा खुश रहता है, और उसका जो उसका वो क्या क्या धारण करेगा, मतलब कैसे पहनेगा वो, कौन सा क्लॉथ पहन मतलब कि कौन सा वस्त्र पहनता है, और हमेशा क्या करता है, उसका वो जो शंख धारण करता है उसका मतलब कि उसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी बताया गया है। शंख का मतलब यहाँ पर बताया गया कि स मतलब कि खुश रहना, और खम मतलब परब्रह्म, मतलब कि जो परम ब्रह्म में स्थित होकर वो जो मतलब कि परम खुशी को प्राप्त होता है, परम आनंद को प्राप्त होता है, उसी को यहाँ पर शंख का मतलब बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि सुप्रीम नॉलेज जो होता है, मतलब कि जब वो जो चंदन का लेप जो अपने शरीर में लगाता है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है सबसे ज्ञानी, जो जिसको सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इस तरह सभी के बारे में यहाँ पर वर्णन मिल रहा है, कि मेखला जो मतलब कि उसके कमर में जो एक वस्त्र पहनता है उसको यहाँ पर मेखला बोला गया है, तो वो क्या यहाँ पर मतलब कि उसका मतलब क्या है, और जो शैली, जो मतलब कि शैली मतलब क्या होता है, जो उनके बाम मतलब कि हाथ में जो वो लगाते हैं, एक वस्त्र के जैसे होता है ना, गमछा के जैसा छोटा सा, वो अपने मतलब कि कंधे पर डालते हैं, उसको यहाँ पर शैली बोला गया है, तो उसका मतलब क्या है, इस तरह का सारा यहाँ पर मतलब कि अवधूत योगी के लक्षण बताए गए हैं, बहुत सारे हैं, आप थोड़ा इसमें नोट्स में जाइएगा तभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद चार आश्रमों का वर्णन है, जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा वर्णन है यहाँ पर, और उसके बाद त्रिदंडी का वर्णन है। त्रिदंडी मतलब क्या, जो जो योगी लेकिन यहाँ पर योगी का ही वही अवधूत योगी का मतलब कि बहुत सारे अवस्थाएं बोले गए हैं, जैसे कि त्रिदंडी, एक दंडी। ठीक है, त्रिदंडी कौन है, जो माया, कर्म और कला, ये तीनों के ऊपर जय प्राप्त कर लेता है, उसी को यहाँ पर त्रिदंडी बोला गया है। उसी तरह पंच मकार के बारे में बोला गया है, कि मध्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन, जो इन पांचों मकार के ऊपर सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसको यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर इसको बोला गया है कि सत्ता, सप्त कहकर उसको संबोधित किया गया है। उसी तरह नाड़ी शुद्धि का भी वर्णन किया गया है, मतलब कि शुद्धिकरण कैसे होगा, तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में यहाँ पर वर्णन है, लेकिन कोई भी आप यहाँ पर मतलब कि कैसे करना है, क्या करना है, यहाँ पर कोई उस चीज का वर्णन नहीं मिलता, सिर्फ उसका थोड़ा थोड़ा नाम यहाँ पर मतलब कि मिलता है, जैसे कि यहाँ पर धारणा के बारे में बोला गया है, कि नाड़ी शुद्धि कैसे हो सकता है, धारणा हो सकता है, और क्या कर सकते हैं, अर्धोली जिसको धौती बोला गया है यहाँ पर, बस्ती के बारे में भी बोला गया है, नीति के बारे में बोला गया है, त्राटक के बारे में बोला गया है, कपालभाति के बारे में बोला गया है, नवली के बारे में बोला, लेकिन मतलब कि पूरा सीधा सीधा नेम नहीं है, थोड़ा अलग नेम पर है यहाँ पर है, धारणा का डायरेक्ट नेम है, लेकिन जैसे धोती को यहाँ पर अर्धोली बोला गया है, बहुली को यहाँ पर बस्ती बोला गया है, उसी तरह दृष्टासन को यहाँ पर नीति बोला गया है, घंटी को यहाँ पर त्राटक बोला गया है, वासन को यहाँ पर कपालभाति बोला गया है, उसी तरह नौलिक को यहाँ पर नौली बोला गया है। ठीक है,
तो इसी तरह बहुत सारे नाड़ी सुति का नियम यहाँ पर बोला गया है। उसी तरह किसको मोक्ष मिलेगा और किसे नहीं, उसका भी विस्तृत वर्णन है। मतलब कि कौन सा आप अगर अगर कोई ऐसा कुछ मतलब कि करता है, कौन सा काम करता है, तो कौन सा क्या बनेगा उसको, यहाँ पर उसी चीज का यहाँ पर इस पॉइंट में वर्णन है। उसके बाद अनेक उपासकों का परिचय भी दिया गया है। मतलब कि जो अगर अच्छे से नहीं करता है तो उनको क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो उनका दूसरा दूसरा नाम भी बोला गया है। जैसे कि लिंगधारी, निर्वाण परा, कपालिका, महाव्रता, शक्तिवाक, शक्ति ज्ञानी, इस तरह बहुत सारे यहाँ पर नाम बताए गए हैं। उसी तरह नेक्स्ट क्या बताया गया है कि किस शिष्य को ज्ञान दे और किसे ना दे। ठीक है, कौन ज्ञान के प्राप्त कर सकता है, कौन किसको ज्ञान की जरूरत है, किसको नहीं। अपने पुत्र हो तो भी उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए अगर वो आपका शिष्य नहीं है तो। यहाँ पर इस तरह का वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद चार पुरुषार्थ के बारे में वर्णन मिलता है, जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना होती है। जो इन सब पर जय पा लेता है उसी को ही नित्य अवधूत योगी यहाँ पर बोला गया है। और लास्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है कि मतलब कि शिव जी को यहाँ पर प्रणाम करते हुए और गणेश जी को प्रणाम करते हुए इसको इस जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो ग्रंथ है उसको यहाँ पर मतलब कि समाप्त किया गया है। ठीक है, देखिए बहुत सारे यहाँ पर चीजें हैं इस पीडीएफ में। आप थोड़ा उसके अंदर जाइए और देखिए, क्योंकि बहुत बच्चे कम आ रहे हैं। तो दूसरी चीज यही बात है कि एग्जाम पास आ गया है, तो जितना आपको जरूरत है मैंने हाई पॉइंट ये सब सारे स्लाइड में है, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, आपको थोड़ा डीप में जाना है और इसे अच्छे से देखना है। ठीक है, नोट आउट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं माफी चाहूंगी कि मेरे मैम, ये कटासन क्या होता है मैम? ये अवधूत योगी के लक्षण में जो लिखा है, कौन सा वाला अवधूत योगी के लक्षण में जो अभी आपने बताया था ना, मेखला वगैरह, जिसमें ये कटासन, कटासनम, कटासनम मतलब मेखला। यहाँ पर, हाँ, मेखला कटासनम जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो आसन मतलब कि कैसा देना चाहिए, वो कहाँ पर बैठेगा। ठीक है, ओके कटासन मैम, मतलब जो मैट मैट हम बोलते हैं ना, मैट मतलब कि जिसके ओके ऊपर बैठता है, हाँ वहाँ उसी को यहाँ पर कटासन के बारे में बोला गया है। योग पट्ट के बारे में भी वही मतलब कि सेम चीज है, थोड़ा थोड़ा अलग हुए में यहाँ पर बोला गया है। योग पट्ट को यहाँ पर बोला गया है कि जो सिर्फ मेडिटेशन मतलब कि ध्यान करने के लिए जो वो नीचे बिछाता है उसको योग पट्ट बोला गया है। लेकिन सबके सब समय पर जो योगासन करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए जो भी वो यूज करता है वहां पर यहाँ पर कटासनम बोला गया है। ठीक है, जी मैम। और ये घर पर क्या है कहां पर दंड के नीचे है मैम, घर पर। जी, हाँ घर पर जो आपका मतलब कि आपने देखा होगा अगर कोई जो वो एक बाउल के सेट में पकड़ते हैं ना, ओके मैम, जो जो समझ खाने गए। की, हाँ, उसी को बोलते हैं घर पर। मतलब कि छोटा सा बर्तन के हिसाब से होता है, वो मिट्टी का बना हुआ होता है, उसी को बोला गया है यहाँ पर घर पर। मंडल टाइप होता है वो। हाँ, ओके ठीक ओके है जी मैम। जी। आप थोड़ा स्लाइड के मतलब कि पीडीएफ के थ्रू जाएंगे, इस पीडीएफ के थ्रू अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं सारे। ठीक है, तो मैं अभी आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जी रूपाली जी, कुछ कहना चाहते? पीडीएफ कब भेजने वाली हूँ आप? जी, मैं बहुत आपको पीडीएफ और ये जो स्लाइड है बहुत भेज दूंगी। आपको जो भी डाउट होगा मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। देखिए मतलब कि पूरा मन मतलब कि मुझे अभी
जैसे मेरा मुंह ही नहीं खुल रहा है पूरा गले में, इतना जोर से दर्द हो मैम इट्स ओके, इतना रहा एफर्ट है। कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हाँ मैम काफी है, इट्स ओके मैम। थोड़ा उसके अंदर जाइएगा जी, नेहा जी थोड़ा शांति पाठ करा देंगे। जी मैम, बैठेंगे किसी भी ध्यान के आसन में, आंखें कोमलता से बंद, एक बार ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। धीरे से आंखें खोलेंगे, वापस आएंगे, सभी को ओम नमस्कार। ये सब थैंक यू नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सभी को। ये आप थोड़ा उसके अंदर जाइए, देखिए बहुत सारे चीजें हैं।